नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं कि बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी हम स्पीड से कैसे कर सकते हैं। उसके साथ ही हम थोड़ा सा ध्यान देंगे वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट नंबर पे, जो कि नेगेटिव में बाइनरी नंबर को, नेगेटिव नंबर्स को बाइनरी में रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, दिखाने का एक तरीका है, वो भी आपके एग्जाम में आजकल आने लग गए, इसलिए उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले हम शॉर्टकट ट्रिक सीखें, उसके पहले ये देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड मेथड यानी नॉर्मल मेथड, अगर हम किसी नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहें तो उसका नॉर्मल मेथड क्या होता है। तो हमारे पास एक नंबर है 2432, अब हम उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। बिल्कुल ईजी है, बिल्कुल ही सिंपल है। तो सबसे पहले जो है क्या करेंगे, हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए जो मेथड होता है उसको कहते हैं हम सक्सेसिव डिवीजन। सक्सेसिव मतलब हम बार बार डिवाइड करेंगे। किस नंबर से डिवाइड करेंगे? 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड कर करके हम इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। देखते हैं कैसे, ये तरीका ज़्यादातर लोगों को पता है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड इस नंबर को करते हैं, 2432 को, तो इसका आंसर आता है 1216। अब 1216 जो है ये पूर्णतया यहाँ पे जो है 2 से चला गया है, इसके लिए यहाँ पे रिमाइंडर जो है ये 0 आएगा। फिर जो है हम वापस 2 से डिवाइड करेंगे, फिर जो है वापस आएगा 608, वापिस पूरा चला गया तो वापिस रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, फिर आ जाएगा 304, वापिस पूरा चला गया तो वापिस रिमाइंडर 0। इस तरीके से जो है हम यहाँ पे करते जा रहे हैं, फिर हो जाएगा 152, फिर पूरा चला गया, फिर रिमाइंडर 0, फिर आ जाएगा यहाँ पे आपका 76। देखिए अभी तक जो है ये नंबर सारे इवन हैं जो हमारे पास रिजल्ट आ रहे हैं। अब 76 को 2 से करेंगे, वापिस इवन नंबर आया है ना, तो जो 76 इवन है तो रिमाइंडर 0 आएगा। फिर वापस 38 का भी रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा, क्योंकि 38 भी इवन है। अब पहला ऑड नंबर आया हमारे पास 19, तो जाहिर सी बात है कि अब जो है हमारे पास पहला 1 बनेगा। तो ये मेथड भी अगर आप देखेंगे तो इतना मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा जो है इसमें डिफिकल्टी है। तो 9 से जाएगा, बार बार जो है ये डिवीजन करना जो है ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। वापस 4 से जाएगा, पर 9 भी ऑड है तो वापस 1 रिमाइंडर आएगा, यानी 2 4 8 8, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा। फिर वापस जो है 2 2 4, वापस 0 हो गया, फिर 2 1 2 हो गया, वापस 0 हो गया। अभी बाइनरी नंबर हमारा बना क्या, इस तरीके से हम लिखना शुरू करेंगे यहां से, है ना, ये 1 भी इंक्लूड होगा। तो ये 1 हुआ, फिर 0 0, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे 1 1, और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 0 हैं तो वो फटाफट हम लगा देते हैं। तो ये हमारा बाइनरी नंबर हो गया। इस लॉन्ग मेथड से भी हम कर सकते हैं, कोई मुश्किल की बात नहीं है, बहुत दिक्कत नहीं आएगी। और अब हम जो देखते हैं कि इसको अगर शॉर्ट मेथड से करें तो वो कैसे करेंगे। देखिए बाइनरी नंबर आपको ये समझना है कि अगर हमको कन्वर्ट करना है तो बाइनरी नंबर जो है ये डिजिट्स के कॉम्बिनेशन से बनेगा। इन डिजिट्स को हम कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे, तो जो है ये नंबर का बाइनरी आएगा। इसमें हर डिजिट का जो है एक मान है, यानी कि 1 जब हम उसको बाइनरी में लिखते हैं तो वो हो जाता है, इसको 0 डिजिट बोलते हैं, इसको 1 डिजिट देते हैं। हर एक की जो है इंडेक्स, इसको इंडेक्स बोलते हैं, उस डिजिट के ऊपर रख लेते हैं। तो ये बाइनरी में जो हमारे पास नंबर हैं इन सब की हमने इंडेक्स लिख ली। इस 1 का वैल्यू क्या है, क्योंकि ये 0 पे है इसलिए इसकी वैल्यू जो है 2^0 यानी कि 1 के बराबर है। इसकी वैल्यू जो है, जो कि ये 1 पे है, ये वाला 1, इसकी वैल्यू 2^1 यानी 2 के बराबर है। ये वाला 1 इंडेक्स 2 पे है इसलिए इसकी वैल्यू 2^2 यानी 4 के बराबर है। इस तरीके से ये 2^3 है, ये 2^4 है, इस तरह से चलते चलते जो फाइनल 1 है वो 2^11 यानी कि उसकी वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 2048 के बराबर, 2048 के बराबर। अब बिल्कुल ही सिंपल है, हमारा बाइनरी नंबर कैसे बनेगा। बाइनरी नंबर हमारा जब हम बनाएंगे तो ऐसा होगा कि जिसमें जहां 1 है उन डिजिट्स की वैल्यू हम ऐड करेंगे, जहां पे 1 है उन डिजिट्स की वैल्यू ऐड करेंगे, और फिर जो है हम वापस सारे डिजिट ऐड कर देंगे जहां पे 1 है, तो वो डेसिमल हो जाएगा। तो हमको सबसे पहले ये देखना है कि ये बाइनरी बनाना है 2432 का, तो सबसे बड़ा नंबर हम कौन सा ले सकते हैं, 2048 ले सकते हैं, उससे बड़ा नंबर होता है 4096, वो हम ले नहीं सकते हैं। 2432 में एक 2048 हो सकता है, उससे बड़ा नंबर नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 11th प्लेस पे जो डिजिट है वो हमारी क्या है, वो हमारी 1 है। 2048, अब हमने जो है एक डिजिट, तो 11th वाली डिजिट तो हमने चूज कर ली कि वो हमारी 1 ही होगी, तो यानी कि हमारा यहाँ पे तो 1 ही होगा। अब 2432
में एक ये डिजिट तो हो गई 2048 वाली, अब बाकी कितना बचा वो हम निकाल लेते हैं, है ना। इस तरीके से करेंगे तो ये 8 यहाँ पे 4 आ जाएगा, 12 में से 8 गए तो ये 13 था, ये 12 हो गया क्योंकि एक यहाँ गया तो 2 बच गया, फिर ये 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गए तो यहाँ 8 आ जाएगा, फिर ये 384 बचा अब हमारे पास। अब 384 मैं वापस चूज़ करता हूँ कि सबसे बड़ी डिजिट में क्या ले सकता हूँ, मैं ये डिजिट ले सकता हूँ, तो ये डिजिट भी मेरी 1 हो गई, यानी कि 8वीं प्लेस में जो नंबर है हमारा बाइनरी डिजिट में वो भी 1 होगा। 256 ये भी माइनस कर देता हूँ, अब मेरे पास क्या बचेगा, अगर इसको माइनस करूँगा तो 128, अब मेरे पास 128 बचा, 128 जो है इस डिजिट से मैं भर दूंगा और कोई डिजिट मुझे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि 2048 प्लस 256 प्लस 128 अगर मैं करूँगा तो ये जो मेरा बाइनरी नंबर है वो बन जाएगा, और मेरा बाइनरी नंबर क्या बन गया, 100, ये दोनों ज़ीरो हैं, फिर 11 और फिर उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 0 जो कि हमने पहले निकाला था। अब इसका उल्टा करूंगा मैं तो जाहिर सी बात है कि वही डिजिट्स वापस ऐड हो जाएंगी, यानी कि ये डिजिट जो है 2^4 है ना, ये 2048 है, ये ऐड हो जाएगी, किस में ऐड हो जाएगी, 256 में और 128 में और 2432 वापस मेरा आंसर आ जाएगा, यानी कि रिवर्स चलूँ तो यही ऑपरेशन वापस कर सकता हूँ। इसी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं रिवर्स चलने का। अब हमारे पास ये डिजिट है 1101001, अब इसको मुझे जो है बाइनरी में बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, अगर मैं शॉर्टकट लूँ तो ये डिजिट मैं यहाँ पे लिख दूंगा, ये नंबर हमको याद रखने हैं, और फिर मैं क्या करूँगा कि इन सबको मैं जहाँ पे भी 1 है वो नंबर्स को मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरा जो है इस डिजिट का यानी इस बाइनरी का डेसिमल इजीली आ जाएगा, इन सबको मैं ऐड कर दूंगा और आप ये सब ऐड करेंगे तो इसका आंसर आता है 217, है ना, 8 भी है और सॉरी 1 भी है ना, प्लस 1 भी है यहाँ पे, प्लस 1 भी है, तो इस तरीके से जो 217 इसका आंसर आएगा। अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से करें तो भी हम बहुत मुश्किल से नहीं इजीली रिलेटिवली कर ही सकते हैं, ये इंडेक्स इन नंबरों के लिख देते हैं, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, तो लंबे तरीके से करें तो ये क्या हो जाएगा, 2^7, यहाँ पे हमारे पास 1 है इसलिए ये 2^7 वाला आएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 है इसलिए 2^6 वाला भी आएगा, फिर यहाँ पे 0 है तो ये 5 नहीं आएगा, फिर 2^4 वाला भी आएगा, फिर 2^3 वाला भी आएगा, और फाइनली जो है हमारे पास यहाँ भी 1 है इसलिए ये 2^0 यानी कि 1 भी आएगा। तो ये स्टेप हम मिस कर सकते हैं अगर हमें ये वैल्यूज़ याद हैं और सीधा उसके बाद ये स्टेप हम लिख सकते हैं, तो एक स्टेप बच जाएगी और इस तरीके से आप टाइम बचा सकते हैं। ये नंबर का कन्वर्जन हमने देख लिया, ये कन्वर्जन जो है तभी तक लागू होगा, तभी तक होगा जब तक कि नंबर हमारे अनसाइंड है। अनसाइंड का क्या मतलब है कि उसमें साइन का कोई महत्व नहीं, नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, वो तभी तक इन सब चीज़ों के इन सब ये टेक्निक कारगर होगी, डायरेक्ट कन्वर्जन डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल। जैसे ही हम साइन नंबर की तरफ जाते हैं यानी कि इंटीजर्स की तरफ, जिसमें नेगेटिव भी हो सकते हैं नंबर और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, जैसे ही वैसे नंबर को हम लेते हैं तो हमको जो है उन नंबरों को रिप्रेजेंट करने के लिए, उन नंबरों को दिखाने के लिए कुछ और टेक्निक काम में लेनी पड़ती है। एक बहुत ही सिंपल टेक्निक जो आप खुद ही समझ सकते हैं, आपके लिए भी बिल्कुल ईजी होगी, वो ये हो सकती है। देखिए, ऐसा समझिए कि हमारी मशीन जो है, हमारे पास जो कंप्यूटर है उसके अंदर हर नंबर को 5 बिट से ही लिखा जाता है, बस 5 से ज़्यादा बिट उसमें नहीं है। तो अब 5 बिट मशीन के अंदर हम 5 को कैसे लिखेंगे, 5 जो है किससे बनाए, 4+1 से बनाए, यानी कि 4 की जगह पे 1 होगा, फिर 0 होगा, फिर 1 होगा। इसके बाद जो है हम क्या करते हैं, चूँकि हमारी मशीन जो है वो 5 डिजिट की है, 2 एक्स्ट्रा 0 हम लगा देते हैं, तो 0 हम कितने भी लगा सकते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये तो हो गया +5। -5 करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर को जो ऊपर ही ऊपर वाला है, जो इसको MSB है, जो लेफ्ट मोस्ट है, इसको हम 1 कर देते हैं, अब बचे हुए नंबर सेम रहने देते हैं, यानी कि ये डिजिट जो है इसको हम साइन डिजिट बोलते हैं। जब मान नंबर की मैग्नीट्यूड उसका कैलकुलेट करते हैं तो उसको हम नहीं देखते हैं, उस डिजिट को हम इग्नोर कर देते हैं, मान हम सिर्फ इससे ही लेते हैं, यानी कि मान तो 5 दोनों में हो गया, इससे हम सिर्फ साइन लेते हैं, ये प्लस का साइन है यानी +5 या सिर्फ 5, और ये 1 है तो माइनस का साइन है, इसको हम बोलते हैं साइन मैग्नीट्यूड, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है और एक बिट जो है हमारे पास साइन है, बचे हुए बिट जो है वो मैग्नीट्यूड के लिए। दूसरा तरीका जो हमारे पास होता है नेगेटिव नंबर मशीन में, देखिए पॉजिटिव नंबर मशीन के अंदर पॉजिटिव नंबर हमेशा हम एक ही तरीके से बताते हैं, वो हमने अभी तक देख लिया,
नेगेटिव नंबर जो है वो तीन तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो पहला हमने देखा कि अगर प्लस फाइव को हम साइन मैग्नीट्यूड, माइनस फाइव को हम साइन मैग्नीट्यूड में निकालें तो उसका मान जो है ये आएगा। प्लस फाइव का मान हमेशा इन तीनों में ही, वंस कॉम्प्लीमेंट, टूज कॉम्प्लीमेंट या साइन मैग्नीट्यूड, मशीन के अंदर कुछ भी काम में आ रहा हो, प्लस फाइव का मान हमेशा 101 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होता है। माइनस जो नंबर है माइनस फाइव, उसका मान चेंज होता है। तो सबसे पहले साइन मैग्नीट्यूड हो गया, वो हमने बता दिया। अब हम देखते हैं वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर हम नंबर माइनस फाइव, नेगेटिव नंबर के लिए लागू होता है रिप्रेजेंट करना चाहें तो कैसे करेंगे। प्लस फाइव की वैल्यू आप लिख लीजिए, जो कि बिल्कुल ही सिंपल है, यहां से आ गई है ना, ये प्लस फाइव की है ना, अब अपन साइन मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं। प्लस फाइव की वैल्यू यहां से आ गई, इजी है। अब साइन मैग्नीट्यूड, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम सिर्फ जो है इसके हर बिट को फ्लिप कर देंगे, यानी कि उल्टा कर देंगे। सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल। ये हो गया हमारा माइनस फाइव, ये हो गया टू वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट में अगर माइनस फाइव लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे। अब लास्ट वाला देख लेते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट। अगर टूज कॉम्प्लीमेंट में लिखना है तो हम क्या करेंगे, जो हमने ये फ्लिप करके जो वंस कॉम्प्लीमेंट लाए हैं, इसमें हम सिर्फ प्लस वन जोड़ देंगे बस, और ये हमारा आ गया टूज कॉम्प्लीमेंट। ये हमारा है वंस कॉम्प्लीमेंट, ये टूज कॉम्प्लीमेंट, और ये साइन मैग्नीट्यूड। तीनों में ही आप देखेंगे जब नेगेटिव नंबर है तो उसमें जो MSB है, यानी कि जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है, वो वन है, तीनों ही केस में, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि नेगेटिव फाइव है उसकी वैल्यू तीनों रिप्रेजेंटेशन में, साइन मैग्नीट्यूड, वंस और टूज में अलग अलग है, प्लस फाइव की वैल्यू सब में 00101 यही है। प्लस फाइव की वैल्यू तीनों ही सिस्टम में चेंज नहीं हो रही है। नेगेटिव नंबर आप पता कैसे करेंगे, अगर MSB यानी लेफ्ट मोस्ट डिजिट अगर वन है तो वो नंबर नेगेटिव होगा, ये आप उस तरीके से पता कर सकते हैं। अब इसी चीज को हम जो है थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, एक एक एग्जांपल और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले साइन मैग्नीट्यूड में हम माइनस 15 को लिखते हैं। माइनस 15 जो है, आप बोलेंगे कि सर सबसे पहले क्या करना है इसका, प्लस 15 की वैल्यू ले लेते हैं, बिल्कुल ही ईजी है, 111। इसके अंदर अगर मैं जीरो लिख दिया तो ये हो गया प्लस 15, ये तो हमारा प्लस 15 है। अब नेगेटिव बनाना है तो सिर्फ इस जीरो को मुझे वन बनाना है, तो ये हो गया मेरा माइनस 15, बिल्कुल ही सिंपल है। अब एक उल्टा चल के भी देख लेते हैं, अगर हम उल्टा करें तो वो कैसे होगा, तो देख लीजिए, एक नंबर ले लेते हैं 11011, ये साइन मैग्नीट्यूड है। इसमें जो है देखने की बात यह है कि MSB जो है ये वन है, यानी कि जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट वन है, तो ऑब्वियसली बात है नंबर नेगेटिव होगा। नंबर नेगेटिव है और मैग्नीट्यूड के बिट्स हमारे पास ये हैं, ये क्या क्या है, आठ, ये है चार और ये एक, आठ और ये दो और एक, मतलब कि आठ और तीन यानी कि 11, तो माइनस 11 हो गया। प्लस 11 बनाना है तो इसको जीरो कर दीजिए, ये हो गया प्लस 11, है ना, तो बिल्कुल ही सिंपल हो गया। साइन मैग्नीट्यूड जो है बिल्कुल ही ईजी होता है, एकदम सिंपल होता है। वंस कॉम्प्लीमेंट भी बिल्कुल ही ईजी है, कैसे बनता है, फ्लिप करना है बिट को, कुछ भी नहीं करना है। तो वापस जो है माइनस 15 को ले लेते हैं, माइनस 15 अब मुझे जो है साइन मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले प्लस 15 लिख दूंगा, प्लस 15 मैंने अभी लिखा है, ये प्लस 15 है, इसका जो है वंस कॉम्प्लीमेंट नंबर मैं कैसे बनाऊंगा, बस सिर्फ सारे बिट, जितने भी मेरे बिट हैं उनको फ्लिप कर दूंगा, 10 बन जाएगा, 01 बन जाएगा, तो ये माइनस 15 हो गया। अब जो है उल्टा चल के देख लेते हैं, यानी कि मेरे पास अगर नंबर ये दे रखा है तो इसको जो है वंस कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसका ये वंस कॉम्प्लीमेंट में नंबर दे रखा है, नेगेटिव नंबर है क्योंकि MSB 1 है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर क्या होगा। डेसिमल नंबर निकालने के लिए, चूंकि हम जब यहां से यहां गए थे तो हमने बिट को फ्लिप किया था, तो अब यहां से यहां आएंगे तो वापस हम बिट को फ्लिप कर देंगे और ये हो जाएगा 4, और यहां पे चूंकि 1 था MSB में तो मुझे पता है कि ये 4 नहीं है, ये -4 है, बिल्कुल ईजी हो गया। अब देख लेते हैं लास्ट चीज हमारी, टूज कॉम्प्लीमेंट। टूज कॉम्प्लीमेंट में सबसे पहले मैं सीधा चल के दिखा देता हूं, माइनस 15 है, वापस वही माइनस 15 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको प्लस 15 में बनाएंगे, प्लस 15 आ गया। प्लस 15 आने के बाद क्या होगा, इसमें फ्लिप करेंगे अपन बिट को, है ना, टूज कॉम्प्लीमेंट बनाना है तो
टू प्लस 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 15 लिखा, प्लस 15 को अपन ने फ्लिप किया यानी कि उसका वंस कॉम्प्लीमेंट बनाया है ना, इसको फ्लिप करेंगे। फ्लिप करने के बाद क्या हो जाएगा, ये 1 बन जाएगा और ये 3 4 0 हो जाएंगे। और फिर टूज कॉम्प्लीमेंट बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, प्लस 1 करना पड़ेगा, तो ये 0 0 और फिर 0 1, तो ये टूज कॉम्प्लीमेंट है माइनस 15 का। नेगेटिव नंबर के कई केस में जो है टूज कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट का कोई मायना है ना, साइन मैग्नीट्यूड का कोई मायना है, तो ये हो गया। अब हम उल्टा चल के देख लेते हैं, उल्टा भी एग्जांपल एक देख लेते हैं। इसमें हम देख लेते हैं, ये सिंपल एग्जांपल है। अगर मेरे पास 1 1 1 1 0 है, सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये नंबर जो है नेगेटिव है, क्योंकि इसमें MSB क्या है, 1 है, जो लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो 1 है। जब मैं डेसिमल से बाइनरी की तरफ गया था टूज कॉम्प्लीमेंट में, तो पहले फ्लिप किया फिर प्लस 1 किया, अब मुझे उल्टा चलना है तो सबसे पहले मुझे माइनस 1 करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, माइनस 1। इसमें से माइनस 1 कैसे होगा, देखिए ये डिजिट ध्यान से देखिए, ये डिजिट की वैल्यू क्या है, 1 और 0। ये 1 और 0 क्या होता है बाइनरी में, 2 का होता है। तो ये डिजिट जो है 1 0 तो हो गया 2। अब 2 में से 1 गया तो यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 डिजिट तो ऐसे कैसे ही रहेंगे, ये 2 का बन जाएगा सिर्फ 1। बिल्कुल ईजी है, तो ये माइनस 1 कर दिया। अब माइनस 1 करने के बाद फिर मैं एक स्टेप पीछे आ गया, अब वापस जो है मैं यहाँ से यहाँ फ्लिप करके गया था, तो यहाँ से यहाँ वापस फ्लिप कर दूंगा तो उल्टा चलूंगा और ये मेरा आ गया 2 है ना। तो ये 0 ये 2, तो ये 2 है, पर चूंकि ये नेगेटिव था तो ये 2 नहीं है, ये माइनस 2 है। बिल्कुल ही सिंपल। एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अगर मेरे पास नंबर जो है वो ये है, टूज कॉम्प्लीमेंट थोड़ा सा जो है ट्रिकी है, इसलिए इसको एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। ये नंबर है मेरे पास, वापस देखिए MSB जो है वो 1 है, तो नंबर नेगेटिव है, तो सबसे पहले क्या करना होगा, माइनस 1। डेसिमल से जब टूज कॉम्प्लीमेंट में जाते हैं तो लास्ट में प्लस 1 करते हैं। जब उल्टा आएंगे यानी कि जब डेसिमल से, जब बाइनरी से वापस डेसिमल में जाएंगे तो माइनस 1 करेंगे, है ना। फर्स्ट स्टेप ये होगा हमारा। और माइनस 1 करने के बाद क्या होगा, 1 1 0 1, और ये 1 जो है 0 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे, क्योंकि फर्स्ट जो स्टेप थी वो फ्लिप की थी, तो अब वापस जो है उसको रिवर्स करना पड़ेगा, तो फ्लिप वापस करना पड़ेगा और ये नंबर क्या आ गया हमारा, वापस जो है 5 आ गया। जो हमने पहले देखा था वही हमारा एग्जांपल है, पर 5 नहीं है नंबर, माइनस 5 है, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे हमारा MSB जो हाईएस्ट बिट था वो 1 था। तो आशा है कि इसके साथ जो है आपको सब समझ में आ गया होगा कि ये नंबर जो है कन्वर्ट होते कैसे हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट और वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे होता है, टूज कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट इंपॉर्टेंट है, उस पर आजकल क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे कि बाइनरी में अगर हम फ्रैक्शंस लिखना चाहें तो वो कैसे लिखेंगे, टूज कॉम्प्लीमेंट वंस कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव, वो सब हम कैसे करेंगे। तो जरूर सब्सक्राइब करिए, आगे की क्लास भी आपको मिलती रहेगी। ये सारे जो है